Hey, what's going on everyone? This is Ankur and I welcome you to my new YouTube channel. तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग नंबर प्लेट लाइट को साफ़ कर सकते हो, क्योंकि यह टाइम के साथ बहुत ही गंदा हो जाता है. तो इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है. जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ये मेरा ये नंबर प्लेट लाइट बहुत ही गंदा हो चुका है. इसकी वजह से लाइट प्रॉपरली नहीं गिर रहा है नंबर प्लेट पर. तो इसको साफ़ करने के लिए आपको सिर्फ ये दो नट खोलना है और इसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगा. मैं ये साफ़ कर रहा हूँ टाटा नैनो पे और सभी गाड़ी का लगभग सेम ही होता है. तो ये जैसे कि देख सकते हो कितना गंदा है. इसको मैंने पहले ही निकाल लिया है. तो इसको मैं साफ़ करूँगा और दिखाऊँगा आप लोग कैसे कर सकते हो. बहुत ही ईजी है. तो बने रहिए अंत तक और देखते रहिए ये वीडियो, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा. तो इसी रोज़मर्रा की वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक कर दीजिए. बस इतना ही और देखते रहिए आगे तक. तो ये वाला जो नट है मैंने पहले ही निकाल लिया है और जैसे कि देख सकते हो आप लोग कितना गंदा है. और इसको मैंने पहले ही थोड़ा साफ कर लिया था. तो इसको साफ़ करने के लिए मैं लूँगा ये लिक्विड क्लीनर और इससे इसको स्प्रे करके मैं इसको साफ़ कर दूँगा. ये देखिए, इसको मैंने निकाल लिया और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कितना गंदा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी इसमें आ जाके चिपकती है. ये देखिए कितना गंदा है. ये टाइम के साथ बहुत ही गंदा हो जाता है. इसको मैं साफ़ करूँगा डिटर्जेंट या किसी भी सोप वाटर से साफ़ कर सकते हो. इसको मैंने वॉश कर लिया है और अभी मैं इसको करूँगा लिक्विड क्लीनर से थोड़े से साफ़, क्योंकि इसका जो मतलब एक शाइन है वो चला जाता है धोने के बाद और एक डलनेस आ जाती है. तो इसको हटाने के लिए मैं इसमें कर रहा हूँ ये लिक्विड क्लीनर से साफ़. आप ये लिक्विड क्लीनर यूज़ कर भी सकते हो और नहीं करने से भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है. इट्स जस्ट टू प्रोटेक्ट द ग्लास एंड टू गिव ए कोटिंग टू लास्ट लॉन्गर. तो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल. तो इसको आप यूज़ नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसके बाद मैं यूज़ करूँगा ये कार वॉशर नहीं है, बेसिकली ये कार मतलब पॉलिश है. तो कार पॉलिश यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि इसका जो एक शाइन होता है जो धोने के साथ वो चला जाता है. तो उस शाइन को वापस लाने के लिए हम लोग थोड़ी सी कार पॉलिश यूज़ करेंगे. तो इतना ही है. कार पॉलिश यूज़ कर सकते हो आप लोग अगर है आप लोगों के पास तो, मतलब एक अच्छा एक शाइन आएगा और नया जैसा बिल्कुल हो जाएगा ये. और मतलब धूल मिट्टी भी जल्दी से नहीं लगता है इसमें, मतलब कार पॉलिश या और ये जो लिक्विड क्लीनर यूज़ करने से. तो आप ये दो स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो. जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल नया जैसा हो चुका है. और अभी हम लोग इसको करेंगे इंस्टॉल और इंस्टॉल करने से पहले इसको थोड़ी सी साफ़ कर लेंगे. और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग किसी भी लिक्विड क्लीनर या फिर डिटर्जेंट का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इसका जो एक कोटिंग है वो निकल जाता है. ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मतलब लिक्विड क्लीनर यूज़ किया था और आप लोग देख सकते हो कि ये जो कोटिंग है ये निकल चुका है. तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग किसी भी डिटर्जेंट को मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसका जो लेयर है कोटिंग का बहुत ही पतला है. तो इसलिए आप सिर्फ सूखी कपड़े से इसको साफ़ कर दीजिएगा. नाउ एज़ यू कैन सी फ्रेंड्स, इट्स लुकिंग न्यू, बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी. तो आप लोग भी घर पे अभी ये ट्राई कर सकते हो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है टू मेक न्यू मोर वीडियोज़.